6 अप्रैल 2023 ᱠᱷᱚᱱ ᱴᱮᱞᱤ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱲᱮ 11 ᱵᱟᱡᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱥᱚ 2:30 ᱵᱟᱡᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱚ ᱟᱨ 5:30 ᱵᱟᱡᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱥᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱧᱮᱞᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱨᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱱᱮᱠᱥᱴ ᱵᱤᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱥᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱨ ᱛᱚ ᱫᱩᱢᱠᱟ ᱡᱮ ᱟᱢᱟᱨᱤ ᱩᱯᱨᱟᱡᱫᱷᱟᱱᱤ ᱵᱷᱤ ᱦᱮ तो यहाँ पे फिल्म को रिलीज करने का मेरा एक बहुत बड़ा सपना था और मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ के जितने भी दर्शक हैं यहाँ के प्रेस काफ़ी सारे ब्लॉगर मुझे कह रहे थे कि दादा आप दुमका में भी रिलीज कीजिए इस फिल्म को तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग जब डीसी के यहाँ उनसे परमिशन के लिए गए थे तो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम वो हमें दिया है और 6 अप्रैल 2023 से इसका लगातार एक हफ्ते का शो हम प्लान किए हैं और ये फिल्म हालांकि दो भाषा में हमने बनाई है और इसमें जो हिंदी में डब किया गया है उसमें संकेत मात्रे जैसे बॉलीवुड डबिंग आर्टिस्ट ने इसमें अपनी वॉइस दी है और हिंदी वर्जन भी देखने लायक बनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म अगर संताली में अच्छी लगी और डिमांड हुआ तो हिंदी में भी इसका नेक्स्ट वीक से 100 चलाया जाएगा और जो भी हो इसके टिकट रेट भी काफ़ी मुनासिब रखे गए हैं जैसा हमने सिनेमा हॉल में जो जैसे टिकट किया था और हर लोग इसको देख सकते हैं और हम चाहेंगे कि ये फिल्म देखने आप लोग जरूर आएँ क्योंकि ये एक वीर शहीद गणेश हंसदा की बायोपिक है और संताली में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे हमने बहुत ही बारीकी से और बहुत रिसर्च के बाद इस फिल्म को तैयार किया और आशा है आप सभी दर्शकों का भी हमें प्यार मिलेगा। ये कहानी को आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक शहीद नहीं बल्कि एक पूरे युवाओं को मोटिवेट करने की कहानी है कि किस तरह से आप गरीब हुए तो क्या हुआ, आप में वो जुनून जज्बा आपको आगे बढ़ाता है, कुछ देश करने के लिए कर गुजरने के लिए वो आपको एक प्रेरणा देता है। तो यही है युवाओं के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक है और कन्वेंशन हॉल में रिलीज हो रही है यानी कि बहुत शानदार है। कम से कम लोग जो काफ़ी लोग आए जो कन्वेंशन हॉल नहीं देखे हैं तो उनको नया चीज दिखा। जब हमने फिल्म शुरू की थी तो अकेलापन लगता था, उसके बाद ऐसा लगता था कि हमारे बाद और कौन आएंगे हमारे इस इंडस्ट्री को और आगे ले जाने के लिए और ऊंचाई पर ले जाने। जब हमने शुरू किया था तब दशरथ दा और हम थे इस इंडस्ट्री में, उसके बाद हमें अच्छा लगता है कि उसके बाद सुरेंद्र भाई भी हम लोगों के साथ आए और इस इंडस्ट्री में अभी तक फिल्म बना रहे हैं। मुझे हर चीज़ का आभास है, हर चीज़ का एहसास है कि इस इंडस्ट्री को यहाँ तक लाने में, यहाँ तक पहुँचाने में या इस फिल्म को आज दुमका तक पहुँचाने में इनको कितने कष्ट का, कितने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा। मैंने फिल्म कई सारी बनाई है लेकिन इस तरह की किसी की बायोपिक पर मैंने आज तक फिल्म नहीं बनाई है। मैं चाहता था कि मुझे भी ऐसा मौका मिले पर अभी तक हो नहीं पाया और ये मौका सुरेंद्र भाई को आज जब मिला है तो ये बहुत खुशी की बात है और मैं इनको बहुत सारा बधाई दूंगा। साथ में चाहूँगा कि इनका फिल्म आप लोग सब आए, सब आकर इस फिल्म को देखें क्योंकि ये हमारे बीच के ही भाई का फिल्म है जिसने अपना जीवन को बलिदान दिया है। फिल्म तो हम कई तरह का बनाते हैं वो तो आप देखते ही हैं पर इस फिल्म को आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। अनुगे आशा तहना चाहिए आप जो हर के ना आप जहाँ कुरुमुटू करना कथा के बोले गोटा जहाँ तक दुमका जिला अब सानतार अतुरे अब सामान बया मिस्रा को जो ठेन पे पासना दाग और प्रेस कन्फ्रेंस प्रेम दा अभिष्टन दा मुकेश भाई और कुणाल साथे पंकज भाई आपे इन रस्क बुझे और जो को सारा तब तेना प्रेस कन्फ्रेंस।